हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये है जवाहरलाल नेहरू प्लैनेटोरियम, और इसके जस्ट सामने आपको मिलेगा इंदिरा गांधी फाउंटेन। ये एक म्यूजिकल फाउंटेन है। फिलहाल इसको करते हैं स्किप और हम चलते हैं अंदर। ये है हमारा एंट्री गेट, तो आइए हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे शो के लिए ही पे करना पड़ता है, बाकी सब एंट्रीज फ्री है। ये है कैंपस का मैप, इसमें पूरा बता रखा है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। और मैं टिकट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। अडल्ट्स के लिए है 75 रुपीज़, चिल्ड्रन के लिए है 50 रुपीज़, एंड स्कूल स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए है 40 रुपीज़। और इस मैप में बताया गया है आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हो। साइंस पार्क भी है यहाँ पे, एग्जीबिशन हॉल है, स्काई थिएटर है, और भी बहुत कुछ है। तो आइए हम चलते हैं आगे। हम आ चुके हैं साइंस पार्क की तरफ, साइंस पार्क एक्सप्लोर करने के लिए। जहाँ पे फिजिक्स साइंस का नाम हो उधर आइंस्टाइन का नाम तो जरूर होगा, तो मिलिए आइंस्टाइन से। और ये है साइंस पार्क लेआउट। यहाँ पे आपको 53 आइटम्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे 53 एक्टिविटीज है जो कि आप यहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हो या आप देख सकते हो, ऑल रिलेटेड टू साइंस। बच्चों को यहाँ पे बहुत ही इंटरेक्टिव टॉय जैसा दिखेगा, वो यहाँ पे खेल सकते हैं, टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज हैं जो बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये रॉकेट का मॉडल भी बना हुआ मिल जाएगा। ये सारा जो हम अपने बचपन में फिजिक्स टेक्स्ट बुक में पढ़ते थे, वो वाली सारी एक्टिविटीज़ यहाँ हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर सो फन, एंड बच्चे इधर ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। यहाँ आप खुद भी एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। इधर दो विस्परिंग डिश है थोड़ी दूरी पर, जिसमें एक तरफ से बात करेंगे तो दूसरी तरफ सुनाई देगा। क्या आप बता सकते हैं ये कैसे पॉसिबल है? और यहाँ पे है ये म्यूजिकल पाइप्स। जैसे ही आप इन पाइप्स को टच करोगे तो एक आप सुन सकते हो कैसे डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। ये साइंस पार्क आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, और यहाँ पार्किंग की भी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ पार्किंग है। तो आप यहाँ आ सकते हो, बच्चों के साथ फोटो भी क्लिक करवा सकते हो, और ये सारे एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही अच्छा पार्क है, फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है, बच्चे इधर ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। यहाँ पे काफ़ी स्कूल स्टूडेंट्स भी आए हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिप रहेगा ये साइंस पार्क, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें यहाँ पे। इस प्लैनेटोरियम में आपको दो चीज़ें मोस्टली मिलेगी, एक ये साइंस पार्क और दूसरा स्काई थिएटर। अगर आप स्काई थिएटर नहीं जाना चाहते हो तो आप यहाँ फ्री में आकर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे हम ये रोड को रोटेट करेंगे, ये साउंड है व्हील्स ऑफ रोटेटिंग रोड्स की। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, बच्चों को ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और आप ये देख सकते हो, ये है पंप। पुराने ज़माने में हम इसका यूज़ करते थे, यूज़ टू पंप वाटर। यहाँ पे हम ये पंप को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, और ये जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। पुराने ज़माने में इसका बहुत यूज़ होता था। यहाँ पे ये सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, उनके डायमीटर्स,
और ये है न्यूटन कलर प्लेट। तो आइए इसको भी हम चला के दिखाते हैं। इस एक्टिविटी में हमें खुद को लिफ्ट करना है इस रस्सी की हेल्प से। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी, बहुत ही मज़ा आया। और ये है मॉडल ऑफ डीएनए। यह है रोलिंग सिलेंडर एक्टिविटी। तो आइए हम ये भी एक्टिविटी करते हैं। और ये है ग्लोब। स्काई थिएटर में 3 साल से कम एज के बच्चों को अलाउड नहीं है, एंड हमारी बेटी अभी छोटी है, सो हमने साइंस पार्क का ही एंजॉय किया। एंड इधर साइंस पार्क में ही काफी कुछ देखने को मिला। देखो हमारी बच्ची कैसे एंजॉय कर रही है। छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे झूला है और भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे एक विंग मशीन भी है। जैसा कि आपको पता है हर प्लैनेट पे आपका वेट डिफरेंट होता है, तो ये वाली जो विंग मशीन है यहाँ पे आप मार्स और अर्थ पे आपका क्या वेट रहेगा आप चेक कर सकते हो। रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, छोटे बच्चों के लिए ये वाली एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस एक्टिविटी में। यहाँ पे बैठने के लिए छोटा सा पार्क भी बना है। पार्क थोड़ा छोटा था लेकिन अच्छा था। पार्क के साथ ही एक ये छोटा सा मंदिर था जो कि बहुत ही सुंदर था। आप लोग जरूर विजिट करें बच्चों के साथ। सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू साइंस है और ये एक्टिविटीज आपके बच्चों को मोटिवेट करेगी साइंस को पढ़ने के लिए। एंड हो सकते हैं आपका बच्चा बड़ा होके साइंटिस्ट बन जाए, और अगर साइंटिस्ट ना भी बन पाया ना तो बहुत कुछ सीख जाएगा। मुझे तो ये पार्क बहुत ही पसंद आया, तो मेरी तरफ से ये तो रिकमेंडेड है ये साइंस पार्क। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।